फवारा तू नाही बघितला? ती आली छोटी पोरगी घाबरली डायरेक्ट अशी. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल. माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग मिस्टर बियर्डो राइडर. तो अभी हम मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे. गाड़ी पे स्टिकरिंग करने जाते हैं अपने यूट्यूब हैंडल का. और भाई लोग, मीटर क्या दिख रहा है? देखो, ऐसा लग रहा है कि मीटर ही पूरा मैंने चेंज कर दिया. जिधर जाओ उधर रोड का काम चल रहा है. पूरा थाने को मॉडिफाई कर रहे. अच्छा, अभी हम पहुंच चुके नितिन सिग्नल एंड सिग्नल के जस्ट बाजू में शॉप है जिसको भी गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी पे स्टिकर, बाद में विंडशील्ड को रैप, ये सब करने का रहेगा तो यहाँ पे आप आ सकते हो. एंड बहुत ही एकदम रिजनेबल रेट रहता है यहाँ का, बिकॉज मैं मेरा सभी गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह यहाँ से ही बनाता हूँ. तो मैं आपको शॉप का नाम दिखाता हूँ. सुमन ग्राफिक्स करके शॉप का नाम है. ये जो है सामने यहाँ पे दुकान है ऐसा, ये देखो. ये देखो ऐसा ऊपर स्टिकर नंबर वगैरह दिखेगा आपको. ये देखो, यहाँ पे आप ऐसा घर का नंबर प्लेट भी बना सकते हो एंड बाइक्स का भी नंबर प्लेट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में. एंड यहाँ पे स्टिकर जो रहता है वो भी मिलता है बना के. एंड ये जो भी नया ट्रेंड पे चल रहा है लाइट का, नेम लाइट का, वो भी मिलता है यहाँ पे बना के. नितिन के सिग्नल के जस्ट सामने ही है. यहाँ पे घर का फैंसी नंबर प्लेट्स भी बना के मिलेगा, वो भी एकदम रिजनेबल रेट में. एंड ऐसा विंडशील्ड को भी रैप करके मिलता है. फवारा तू नाही बघितला? ती आली छोटी पोरगी घाबरली डायरेक्ट अशी. बच्चे का रिएक्शन देखो गाइस, क्या प्यारा है. देखते ही बैठ रहा है वो गाड़ी को.
क्या ही प्यारा रिएक्शन आ रहा है, वाह क्या ही यही प्यारा रिएक्शन। Come look at this. गाइस गाड़ी पे रखा था, हेलमेट गिर गया तो उसका पीछे का जो स्पॉइलर रहता है वो वाला टूट गया। तो अभी जाते ये स्पॉइलर भी चेक करते मिलता है कि नहीं। A few moments later. So guys, अभी स्टिकरिंग का काम हो चुका है। इंस्टा हैंडल एंड यूट्यूब हैंडल अपना गाड़ी पे आ चुका है विंडस्क्रीन पे। Oh my God! Wow! जाते हैं अभी तीन पेट्रोल पंप के, वहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज के शॉप है तो वहाँ पे जाके चेक करते हैं, होप सो मिलना चाहिए। गाड़ी के सीट पे रखा था हेलमेट भाई ने एंड वो जब भी स्टिकर लगाने के लिए वो बंदे ने गाड़ी को टच किया तो साइड स्टैंड पे अपने RC 390 थे, बिकॉज मेन स्टैंड तो नहीं है भाई गाड़ी को। ये यही नहीं, अभी और सुनिए। सीट पे रखा था तो सीट से सरक के हेलमेट डायरेक्ट जमीन चाट लिया हेलमेट ने। अब पीछे का स्पॉइलर के तो आपने देखा ही क्या हो चुकी थी हालत, टूट गया डायरेक्ट। देखो कैसे गाड़ी को भाई उठा उठा के पटकते गाड़ी को, गजब बेइज्जती है। ये देखो ये शॉप है द राइडर पैराडाइज। यहाँ से मैंने पूरा मेरा राइडिंग का सेटअप लिया था तो यहाँ पे बहुत अच्छे 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 डिफरेंट वैराइटीज़ के जैकेट एंड हेलमेट है तो आप विजिट कर सकते हो। तीन पेट्रोल पंप के बाजू में ये द राइडर पैराडाइज करके, ये वाला स्पॉइलर लिया, पावर लुक आ रहा है अभी हेलमेट का। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता देना एंड वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपने चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना, बिकॉज़ बेल आइकन दबाओगे तभी तो अपने ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आएंगे।